किस दर्जे तक गिर सकती है, राजनीति और पॉलिटिक्स किस हद तक और कितनी घटिया हरकत करा सकती है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फायदा हासिल करने के लिए खून की नदियां बहाना, बस्तियों को आग लगा देना, बूढ़े माँ बाप को बेसहारा करवा देना, औरतों को विधवा और बच्चों को यतीम करवा देना, आज तक ये सब सुनते आए थे, देखते आए थे। फिल्में और अखबारात, न्यूज चैनल्स पर ये सब नजारे लोग देखते रहते हैं, लेकिन अब एक और स्टाइल आ गया, नकाब पहनाकर, टोपियां पहनाकर अपने प्रोग्राम्स में मुसलमानों की भीड़ दिखाना। फ्रॉड, झूठे या मुसलमानों ही में से वो लोग जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, जिनका इस्लामी माहौल, इस्लामी तालीमात, दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, लिबरल जाहिल किस्म के मर्द या औरतें या फिर किसी भी किस्म के लालची, ऐसे लोगों को आगे करके इस्लाम को बदनाम करने और हिंदू मुस्लिम तमाम भारतीयों को मीडिया के जरिए इसी में उलझाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तलाक के मसले में जिस इशरत को आगे किया गया था वो झूठी, फ्रॉडी, बच्चों को, शौहर को 3 बार खुद छोड़कर भागने वाली, और उसे तलाक ही नहीं दिया गया था, शौहर ने उसे तलाक ही नहीं दिया था, आज वो भी बीजेपी की गोद में है, सबने देखा। अब एक वीडियो खूब वायरल किया जा रहा है, एक औरत के नमाज पढ़ाने का, सब उसी में लग गए, मुखालिफत शुरू हो गई, बयानात आने शुरू हो गए, आखिर वो भी जाहिल पकड़ी गई। अगर उसका नाम मुसलमान जमायदा भी है तो फौरन वीडियो से ही पता चल गया कि वो अनपढ़ जाहिल, इस्लाम की सबसे अहम इबादत नमाज भी उसको नहीं आती। अगर वो इस्लाम की जानने वाली होती तो वो नमाज सही पढ़ती। क्या क्या गलतियां कर रही है सबने देख लिया, शायद उसके माँ बाप ने भी कभी घर में नमाज न पढ़ी हो, इसलिए बेचारी मुसलमान नाम होने के बावजूद भी सही नकल नमाज की नहीं कर पा रही है। और पीछे जो मुक्तदी नमाज पढ़ने वाले खड़े हैं, उनके धोबड़े चेहरे देखो, कितने नूरानी मुसलमानी लग रहे हैं। हाथ किसका कहाँ बंधा हुआ है तो किसका कहाँ बंधा हुआ है, बता दें कि ये खातून जिसका नाम जुमैदा बताया जा रहा है, केरला की ये इमाम साहिबा को बीजेपी से कितना प्यार है कि नमाज में भगवा दुपट्टा ओढ़े हुए हैं। इतनी जाहिल है कि उसको ये नहीं मालूम कि नमाज में 2 सजदे होते हैं, रुकू से उठने पर अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं, समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते हैं। अरे भगवाइयो, भाजपाइयो, नकल को भी अकल लगती है, मगर तुम्हारी मजबूरी कि तुम्हें सच्ची, वफादार, ईमानदार, ओरिजिनल मुसलमान औरतें कहां से मिलेगी। ये सब काम जाहिल औरतें और लालची औरतें ही कर सकती है। इमाम साहिबा के पीछे नमाज पढ़ने वाले मुक्तदी हजरात भी मुसलमान नहीं लग रहे हैं, और होंगे भी तो ऐसे जिनको इस्लाम की तालीमात का कोई इल्म नहीं। इमाम साहिबा एक ही सजदे के बाद कायदे में बैठ रही है तो ये बेवकूफ पीछे पढ़ने वाले लुकमा भी नहीं दे रहे हैं, तो पता चला इमाम और मुक्तदी दोनों दूसरे ही हैं, या जाहिल हैं या एजेंट है, मगर मीडिया उन्हें इस्लाम से जोड़कर बता रही है और जनता को बेवकूफ और विकास के मुद्दों और यूपी के खराब हालात, मुल्क में हो रही वारदात, गुंडागर्दी, 8 महीने की बच्ची का रेप, फैल रहा जुल्म, अत्याचार, एकतरफा कार्रवाइयां, इन सबसे ध्यान हटाओ। जो मुल्क और भारतीयों के मुद्दे नहीं है उनमें सब भारतीयों को उलझाओ, असल मुद्दों से हटाओ। ये इमाम साहिबा की एक शानदार जानदार फोटो भाजपा के बैनर पर भी नजर आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि ये भाजपा की बीजेपी के मेंबर है, इशरत की तरह इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नाजरीन, मैं सच दिखाता रहूंगा, प्यारे मुल्क और मानवता की हिफाजत के लिए बोलता रहूंगा, कैसे हमको भटकाया जा रहा है पोल खोलता रहूंगा। कल भी मुझे खूब गालियां दी गई, धमकियां दी गई, देते रहो देते रहो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गुंडों, दंगाइयों, सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा, और मुल्क को, इंसानियत को,
बचाने, संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। और हमारी जमीयत उलमा और हमारे कायद हजरत मौलाना अरशद मदनी का भी ये मशवरा है, ये पैगाम है, ये मिशन है कि मुल्क की, मानवता की, जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की हिफाजत, अमनो अमान, शांति और प्रेम का पैगाम ये हम देते रहेंगे और करते रहेंगे। इसमें शरीरों शैतानों से तो टकराव होगा, उसे भी हम फेस करेंगे, जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, पैदा करने वाला ही हमारा मुहाफिज है और उसके हर फैसले से हम खुश हैं। मैं मुफ्ती हारून नदवी, वायर न्यूज लाइव स्टूडियो, कैमरामैन शेख आसिफ के साथ।